A very good afternoon to all of you. This is going to be the lecture on the topic the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act 2021. Since we know that we have already covered the old rent control legislation, जहाँ पर पहले भी हमने rent control tribunal के composition, उनके establishment के बारे में बात की थी. Similarly, if we talk about this 2021 Tenancy Act, here also we talk about the establishment of the tribunal as well as the addition is what? The addition is that it also provides for the establishment of the rent authority. So let's start with this legislation. अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्ट या पर्पस की बात करें तो ये लेजिस्लेशन अपने आप में एक नोट इंक्लूड करता है जो ये कहता है कि जो हमारा 1972 का लेजिस्लेशन था, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट था 1972 का, इसको इनैक्ट किस लिए किया गया था? ताकि हम लेटिंग और रेंट को रेगुलेट कर पाएँ, साथ ही साथ एविक्शन ऑफ टेनेंट्स को भी रेगुलेट कर पाएँ अर्बन एरियाज़ में सिचुएटेड कुछ क्लासेस ऑफ बिल्डिंग में से. लेकिन इस एक्ट की स्कीम को जब ऑब्जर्व किया गया, जब एग्जीक्यूशन में लाया गया, तो ये पाया गया कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की जा रही हैं टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में डिस्प्यूट जो अराइज़ हो रहे हैं उनको सेटल करने में. और रिजल्टेंटली व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ कि मैक्सिमम जो टेनेंसी डिस्प्यूट्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं. एंड ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम वॉज कि जो ओनर्स हैं उन्हें अपनी बिल्डिंग्स का एप्रोप्रिएट या यू नो प्रॉपर रेंट नहीं मिल रहा है. एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डायरेक्शंस दिए थे रिगार्डिंग द ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट, कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डायरेक्शंस दिए कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी सरकार है, उसे एक ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाना चाहिए. एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दैट जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ है उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे और उन कमीशन्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो वो कमीशन्स इन टेनेंसी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाए गए थे, उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से इट वॉज डिसाइडेड कि वी नीड टू रिपील द ओल्डर रेंट कंट्रोल एक्ट दैट वॉज द एक्ट ऑफ 1972. And we also need to replace it with a new law. और ये जो नया लॉ होगा हमारा, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे जो उसका टाइटल होगा, हम उसका जो नाम देंगे वो होगा द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021. एंड अकॉर्डिंगली दिस वॉज पास्ड इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश दो चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के बिगिनिंग में ही बताया, पहला तो है रेंट अथॉरिटी और दूसरा है रेंट ट्राइब्यूनल. And not just these, rather this act came into picture to do these many things. पहली क्या चीज़, to regulate the renting of the premises, जो हमारे premises हैं, urban buildings हैं, उनके renting को regulate करना. दूसरा, जो landlord हैं और उनके tenants हैं उनके interest को protect करना. तीसरा, ये जो इन दोनों के बीच में, landlord और tenants के बीच में जो disputes हो रहे हैं उनका speedy adjudication provide करना. And lastly, इन सभी मुद्दों से जुड़ा कोई भी मुद्दा जो कि लैंडलॉर्ड, टेनेंट या आपकी अर्बन प्रमाइसिस वाली बिल्डिंग से रिलेटेड हो, इन सभी के रेगुलेशन के लिए यह एक्ट पिक्चर में आया. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द लेजिस्लेशन, वी कैन क्लियरली से आपका जो सेक्शन 1 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट है, ये कहता है कि ये जो हमारा एक्ट है 2021 का, ये एक्सटेंड करता है पूरे उत्तर प्रदेश में. सेक्शन 1 क्लॉज 3 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि अप्लाई कहाँ कहाँ पर करेगा, सिटी पे करेगा, म्यूनिसिपल एरिया पे करेगा, डेवलपमेंट एरिया पे करेगा, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया पे करेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया पे करेगा, रेगुलेटेड एरिया पे करेगा और ऐसे किसी भी एरिया पे करेगा जहाँ पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की हाउसिंग स्कीम्स एग्जीक्यूट की जा रही हैं. फिर सेक्शन 1 क्लॉज 3 के साथ एक प्रोवाइजो भी अटैच किया गया और कहा गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो एरियाज़ हमने स्पेसिफाई किए सिर्फ वहीं तक इसका एप्लीकेशन रहेगा, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी और एरिया पे भी जो स्पेसिफाइड एरियाज़ हैं उनके अलावा भी अगर किसी एरिया पे इस एक्ट का एप्लीकेशन होना चाहिए तो वो बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कर सकती है, इस एक्ट के स्कोप का एक्सटेंशन कर सकती है. फिर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ये प्रोवाइड करता है कि ऐसे कौन से प्रमाइसेस हैं जिस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. इट हैज़
क्वाइट अ सिमिलैरिटी, जो हमारा पुराना लेजिस्लेशन था उसके साथ काफ़ी सिमिलैरिटी है। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रमाइसिस जो ओन किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, स्टैचुटरी बॉडीज, कैंटोनमेंट बोर्ड, ऐसा कोई भी प्रमाइसिस जो ओन किया जा रहा है कंपनी, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऐसा कोई भी प्रमाइसिस जो ओन किया जा रहा है रिलीजियस या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ऐसा कोई भी प्रमाइसिस जो ओन किया जा रहा है वक्फ या फिर पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा, या तो फिर ऐसा कोई भी प्रमाइसिस कोई और बिल्डिंग जिसे पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट किया गया हो इस एक्ट के एप्लीकेशन से बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे कुछ एग्जेम्पशंस हैं, ये सारे कुछ ऐसे प्रमाइसिस के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपके इस लीनियंसी एक्ट 2021 का एप्लीकेशन नहीं होना है। लेकिन साथ ही साथ आपका इमीडिएट जो सबसेक्शन है सेक्शन 3(2), वो आपका एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है 3(1) का। ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 3(1), अगर इफ द ओनर एंड द टेनेंट ऑफ द प्रमाइसिस, जिन्हें हमने रेफर किया सेक्शन 3(1) में, अगर ये अग्री करते हैं कि इनके बीच जो टीनेंसी अग्रीमेंट है वो एंटर किया जाए बिटवीन एज एंटर्ड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, देन इट शैल बी रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट टू विच कंडीशन, कि जो लैंडलॉर्ड है उसे रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई देखो ऐसा है, हमने इस तरह का रेंट अग्रीमेंट एंटर किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी रेगुलेटेड, वी वॉन्ट आस्क टू बी रेगुलेटेड बाई द टीनेंसी एक्ट 2021। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनकी डेफिनेशन थोड़ी सी क्रूशियल हो सकती हैं, तो पहला वो टर्म है लैंडलॉर्ड, जिसकी से डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है सेक्शन 2(b) में। लैंडलॉर्ड का मतलब है चाहे उसे हम लैंड ओनर कहें या फिर लेसर कहें, ऐसा कोई भी पर्सन जो रिसीव कर रहा हो या जो एंटाइटल्ड हो रिसीव करने के लिए किसी भी प्रमाइसिस का रेंट ऑन हिज ओन अकाउंट इफ़ दी प्रमाइसिस वर लेट टू अ टेनेंट एंड शैल इंक्लूड दो चीज़ें। पहला तो उसके सक्सेसर भी इंक्लूड किए जाएंगे, ट्रांसफरी भी और असाइनी भी, और दूसरा चीज़ इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनी ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर अगर रेंट रिसीव किया जा रहा है किसी माइनर या फिर अनसाउंड व्यक्ति के द्वारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट, इट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट अंडर सेक्शन 2(j). यहाँ पर ये कहा गया है कि जो टेनेंट है इन्हें हम लेसी कह सकते हैं या कोई और नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके बिहाफ पे किसी भी प्रमाइसिस का रेंट पे किया जा रहा हो और वो रेंट पे किया जा रहा हो जो कि अग्री किया गया है टीनेंसी अग्रीमेंट के अंतर्गत, एंड इट वुड ऑल्सो इंक्लूड वॉट एनी पर्सन जो ऑक्यूपाई करता है उस प्रमाइसिस को सब टेनेंट के द्वारा, और ऑल्सो एंड ऑल्सो एनी पर्सन जो पोजेशन में कंटिन्यू करता है इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टीनेंसी। बट अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी टीनेंसी के टर्मिनेट होने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है पोजेशन में, एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दैट टर्मिनेशन हो चुका है उनकी टीनेंसी का फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं उनके अगेंस्ट इविक्शन ऑर्डर या डिक्री जारी की जा चुकी है, उसके बावजूद वो उस बिल्डिंग में रहना कंटिन्यू करते हैं, तो फिर उन्हें टेनेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सब टेनेंट की। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सब टेनेंट्स को भी टेनेंट की तरह कंसिडर किया जा रहा है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सब टेनेंट। सेक्शन 2(h) प्रोवाइड करता है सब टेनेंट की डेफिनेशन, जिसका मतलब है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको टेनेंट ने सबलेट किया हो, ऐसा कोई भी पार्ट या पूरी की पूरी बिल्डिंग जो कि उसके खुद के द्वारा होल्ड की जा रही हो, और या तो फिर उसने ट्रांसफ़र या असाइन किए हों अपने राइट्स जो टीनेंसी अग्रीमेंट से अक्रू हो रहे हों, या फिर एनी पार्ट देयर ऑफ जो अपॉन एंट्रिंग इनटू सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट टू दी एग्जिस्टिंग, यानी अगर वो टीनेंसी अग्रीमेंट के साथ साथ किसी एडिशनल अग्रीमेंट के अंतर्गत कुछ और भी समझौता करते हैं तो वो सारे राइट्स अगर उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं किसी थर्ड व्यक्ति को तो वो कहलाएगा सब टेनेंट। देन अनादर क्रूशियल डेफिनेशन इज दैट ऑफ टीनेंसी अग्रीमेंट, ये सेक्शन 2(i) के अंतर्गत बताई गई है। यहाँ पर कहा गया है ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो राइटिंग में दिया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, और किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ लेटिंग द प्रमाइसिस ऑफ द लैंडलॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द रेंट पेबल। नाउ कम्स इन टू द पिक्चर अनादर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज ऑफ द टर्म प्रमाइसिस, जो डिस्कस की गई है सेक्शन 2(c) के अंतर्गत। यहाँ पर कहा गया है प्रमाइसिस का मतलब है कोई भी बिल्डिंग या उसका कोई हिस्सा जिसे इंटेंड किया जा रहा है रेंट आउट करने के लिए या फिर लेट आउट करने के लिए।
रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए भी रेंट आउट किया जा सकता है और या तो फिर कमर्शियल एजुकेशनल यूज़ के लिए भी। हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। प्लस इट वुड ऑल्सो इंक्लूड एनी गार्डन, गैराज, क्लोज्ड पार्किंग एरिया, वेकेंट लैंड, ग्राउंड आउट हाउसेज, एनी फिटिंग फॉर मोर बेनिफिशियल यूज़ ऑफ बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। बट इट वुड नॉट इंक्लूड एनी होटल, लॉजिंग हाउसेज, धर्मशाला और एन। नेक्स्ट कम्स द चैप्टर ऑफ द टीनेंसी अंडर द न्यू रेंट कंट्रोल एक्ट, जहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से इस नए लेजिस्लेशन के अंतर्गत टीनेंसी अग्रीमेंट को एक मैंडेट बनाया गया है और ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 4 के अंतर्गत। ये कहा गया है कि सेक्शन 4 का क्लॉज 1 ये कहता है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एंटरिंग फॉर एंट्रिंग इन टू द प्रमाइसिस, अगर आपने टीनेंसी अग्रीमेंट नहीं बनाया है यू कैन नॉट बेसिकली रेंट इट आउट और लेट इट आउट। यही आगे आपका ये प्रोविजन एक्सप्लेन करता है, यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के कमेंस होने के बाद किसी भी प्रमाइसिस को लेट आउट या टेक ऑन रेंट नहीं कर सकता है अगर उसने एक रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाया है। और ये जो रिटर्न अग्रीमेंट है इसे इन्फॉर्म किया जाएगा किसको, रेंट अथॉरिटी को बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टीनेंट जॉइंटली। और अब ये जो इन्फॉर्मेशन, जो इंटीमेशन का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है आपके फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर जो कि आपके इस लेजिस्लेशन के साथ अपेंडेड है ऑलरेडी। फिर आपका ये प्रोविजन आगे ये कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट फेल होते हैं टेनेंसी अग्रीमेंट की कॉपी प्रेजेंट करने पे या दे फेल टू रीच एन अग्रीमेंट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, देन इन सच केस जो आपका लैंडलॉर्ड या टेनेंट है वो सेपरेटली, जो आपके पार्टिकुलर्स हैं टीनेंसी के वो सेपरेटली इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पीरियड प्रोवाइड किया गया होगा उसके एक्सपायरी के 1 महीने के अंदर अंदर। फिर आपका अगला ये प्रोविजन अगले स्टेप पे ये कहता है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है अगर इसने पर्टिकुलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लेकिन जो टेनेंट है वो नहीं सबमिट कर पाया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विद दी रेंट अथॉरिटी कि आप इनके एविक्शन के लिए इसी ग्राउंड पे, सिर्फ इस ग्राउंड पे ही कि उन्होंने पर्टिकुलर्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, आप उनके एविक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी के साथ अगला प्रोविजन आपका ये कहता है कि देर हैज़ बीन अ ड्यूटी विच हैज़ बीन कास्टेड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रेंट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी डाली गई है कि उन्हें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स के सबमिशंस हैं जिस भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में या मैनर में होने हैं वो इजीली किए जा सकें, और जो रेंट अथॉरिटी है उसके ऊपर ये ड्यूटी डाली गई है कि वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते ही कि हमने एक टीनेंसी अग्रीमेंट बना लिया है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स इन सच फॉर्म जो कि आपके स्केड्यूल 1 में हैं, वो क्या करेंगे, उन पार्टीज़ को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN प्रोवाइड करेंगे पार्टीज़ को। देन कम्स द नेक्स्ट प्रोविजन विच टॉक्स अबाउट द पीरियड ऑफ टेनेंसी, ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 5 के अंतर्गत। यहाँ पर पहला क्लॉज ये कहता है कि एवरी टेनेंसी जो इस एक्ट के कमेंस होने के बाद एंटर की गई है वो वैलिड होगी फॉर अ पीरियड जो अग्री किया जाएगा बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट या फिर जैसा स्पेसिफाइड होगा आपके टेनेंसी अग्रीमेंट के अंतर्गत। लेटर जो आपका सेक्शन 5 का ही अगला क्लॉज है क्लॉज 2, इट टॉक्स अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द रिन्यूअल ऑफ दिस पीरियड ऑफ द टेनेंसी। इसमें ये कहा गया है कि जो टीनेंसी है वो रिक्वेस्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड को कि आप क्या करिए मेरी टीनेंसी का जो पीरियड है उसका रिन्यू या एक्सटेंशन कर दीजिए, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है ये उसे उसी पीरियड के अंदर करनी होगी जो टाइम पीरियड ऑलरेडी आपके टीनेंसी अग्रीमेंट के अंदर दिया गया होगा। और अगर आपका लैंडलॉर्ड इस रिक्वेस्ट पे अग्री करता है तो उस सिचुएशन में वो एक नया टीनेंसी अग्रीमेंट बनाएंगे और फिर म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको एक्सटेंड या रिन्यू कर देंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्लॉज ये बताता है कि मान लीजिए आपने अपने टीनेंसी एग्रीमेंट का रिन्यूअल कराने में आप फेल हो गए एंड रिन्यूअल नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में आपको वेकेट करना हो कर देना चाहिए बिल्डिंग को, लेकिन अगर आप फिक्स्ड टर्म के एक्सपायर होने के बाद अपनी बिल्डिंग उस प्रमाइसिस को वेकेट नहीं कर पाते हैं और रिन्यूअल भी नहीं होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो सेक्शन 5 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो टीनेंट है वो लाइबल होगा एनहांस्ड रेंट पे करने के लिए लैंडलॉर्ड को जैसा कि प्रोवाइड किया गया है अंडर सेक्शन 23। अब यही प्रोविजन एक प्रोवाइजो को भी अपेंड करता है जो ये कहता है कि सपोज
जो प्रमाइसिस की लोकेलिटी है वो किसी डिजास्ट्रस इवेंट को विटनेस करती है, यानी मान लीजिए कोई लैंडस्लाइड हो जाता है या यू नो कोई अर्थक्वेक हो जाता है, तो सिचुएशन में क्या होगा। तो वहाँ पर टीनेंट अगर रिक्विजिशन करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन पे जो लैंडलॉर्ड है वो टीनेंट को अलाउ कर सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड विड बी लिमिटेड ओनली टू 1 मंथ। और ये 1 मंथ कब से काउंट किया जाएगा, उस डिजास्ट्रस इवेंट के सिजेशन के डेट से कंटिन्यू, या सिजेशन यानी वो जब से कैटास्ट्रॉफ ख़त्म हुआ होगा उस डेट से आपका एक महीने के अंदर आपको रहने के लिए अलाउ कर सकता है आपका लैंडलॉर्ड। नाउ कम्स द नेक्स्ट प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 6, जिसमें बात की गई है कि मान लीजिए जो आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, जो पार्टीज हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में इनके जो सक्सेसर्स होंगे उनके क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे, वो कैसे डिटर्मिन किए जाएंगे। तो पहला क्लॉज ये कहता है कि जो सक्सेसर्स हैं दे विल बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, साथ ही साथ जो सक्सेसर द डिसीज लैंडलॉर्ड या टेनेंट हैं दे विल हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जैसा कि टेनेंसी एग्रीमेंट में क्या किया गया होगा, अग्री किया गया होगा, बट ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टेनेंसी। अगला क्लॉज ये कहता है कि जो राइट ऑफ टेनेंसी है ये डिवॉल्व करेगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टेनेंसी ऑन हिज सक्सेसर। वो सक्सेसर कौन कौन हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, सन और डॉटर हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, पेरेंट्स, डॉटर इन लॉ हो सकती हैं, विडोड और डिवोर्स्ड सिस्टर भी हो सकती हैं। फिर इस क्लॉज के साथ एक प्रोवाइजो पेंट किया गया जो ये कहता है कि जो सक्सेसर है, द सक्सेसर जो ऑर्डिनरली रह रहा हो डिसीज्ड टेनेंट के साथ, वही आपका सक्सेसर कहलाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो आपका टेनेंट है उसके मरने के टाइम पे जो ऐसा कोई भी उसके घर खानदान के ये सारे व्यक्ति जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की, वो अगर उनके साथ ऑर्डिनरली रह रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो बाहर कहीं बाहर रहते उनके मरते वक्त वो उनके पास आए, तो वो उनके ऊपर उनको सक्सेसर नहीं कंसिडर किया जाएगा। सक्सेसर वही होगा जो ऑर्डिनरली उनके मरने के टाइम पर उनके साथ पहले से रह रहे होंगे। फिर अगला क्लॉज सेक्शन सिक्स क्लॉज थ्री ये कहता है कि मान लीजिए नॉन रेजिडेंशियल टीनेंसी है, तो उस केस में जो डेथ ऑफ द टीनेंट है उसके बाद क्या होगा, उस सिचुएशन में जो राइट ऑफ टीनेंसी है डिवॉल्व करेगी रिमेनिंग पीरियड ऑफ टीनेंसी के लिए ऑन द सेम पर्सन जो उस डिसीज टेनेंट का बिजनेस सक्सीड करेगा। फिर अगला क्लॉज ये कहता है सेक्शन 6 क्लॉज 4 कि जो एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन है ये प्रिफर की जाएगी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ सच पर्सन, यानी जो राइट पार्टीज़ हैं उनकी डेथ के 1 महीने के अंदर ही अंदर उन सक्सेसर्स के सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन को प्रिफर किया जाएगा। सेक्शन 6 क्लॉज 5 ये कहता है कि जो एप्लीकेशन है इट शुड कंटेन या इट मस्ट कंटेन क्या क्या चीज़ें, नेम, एड्रेस, बाकी डिटेल्स ऑफ द एज एंड देयर रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड पर्सन, साथ साथ इट वुड बी अकंपनीड बाय एन एफिडेविट, और फिर अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशन है ये डिसाइड की जाएगी एक समरी इंक्वायरी के बाद, और ये समरी इंक्वायरी कौन करेगा, या तो रेंट अथॉरिटी या तो रेंट ट्रिब्यूनल। फिर आ जाता है आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू सबलेटिंग जो सेक्शन 7 के अंदर डिस्कस किया गया है। कहा गया है कि इस एक्ट के कमेंस होने के बाद कोई भी टेनेंट बिना सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के, यानी एग्जिस्टिंग टेनेंसी अग्रीमेंट के अलावा एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट को बनाए, वो सबलेट नहीं कर सकते हैं होल या फिर पार्ट ऑफ द प्रमाइसेस जिसे उसे उन्होंने टेनेंट के लिए होल्ड किया हुआ हो, या फिर वो अपने राइट्स जो उन्होंने टेनेंसी अग्रीमेंट के अंदर बनाए हैं उन्हें ट्रांसफ़र या असाइन नहीं कर सकते हैं। फिर सेक्शन 7 का क्लॉज 2 ये कहता है कि जहाँ पर प्रमाइसेस को सबलेट किया गया है तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड टेनेंट जॉइंटली इन्फॉर्म करेंगे रेंट अथॉरिटी को कि हमने सब टेनेंसी भी अलाउ की है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है या इंटीमेशन है ये विल बी गिवन विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच अग्रीमेंट इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल, यानी जो भी हमने अग्रीमेंट यानी जो सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है उसके बनाने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसा इंटीमेशन कर देना है टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। फिर सेक्शन 8 ये कहता है कि जो रेंट का अमाउंट होगा ये वही अमाउंट होगा जैसा कि टेनेंसी अग्रीमेंट में डिसाइड या डिटर्मिन किया गया होगा। साथ ही साथ सेक्शन 9 के अंदर रिविजन ऑफ रेंट के भी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि टेनेंसी अग्रीमेंट के हिसाब से रिविजन ऑफ रेंट भी किया जा सकता है, यानी किन किन सिचुएशन में, मान लीजिए आपने गिवन प्रोमाइसिस के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की है, एडिशनल या स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशंस किए हैं, लेकिन इट वुड नॉट इंक्लूड द इम्प्रूवमेंट शैल नॉट इंक्लूड नेसेसरी रिपेयर्स,
तो वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करेंगे, रेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, विच वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 month आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क. यानी जो काम कंप्लीट, जो भी आप इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं उसके कंप्लीट होने के 1 महीने के बाद से आपका इंक्रीज रेंट एप्लीकेबल हो जाएगा. फिर अगला क्लॉज आपका सेक्शन 9(3), ये कहता है कि जहाँ पर प्रमाइसिस को लेट आउट किया गया है इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, तो वहाँ पर जो आपका रेंट है इट शैल बी लाइबल टू बी रिवाइज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 years एक्ट के आने के बाद. यानी एक्ट के आने के अगले 2 साल तक आप उस एक्ट को रिवाइज करा सकते हैं. फिर यहाँ पर 2 सिचुएशंस दी गई हैं. मान लीजिए आपने लेट आउट किया है 15 जुलाई 1972 के पहले, तो ये डीम कर लिया जाएगा कि आपने लेट आउट किया है ऑन 15 जुलाई 1972. और अगर आपने उसके बाद लेट आउट किया गया है तो आप जो आप डेट ऑफ रिविजन होगी वो डिटर्मिन की जाएगी आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टीनेंसी. अब कितने परसेंटेज तक का रिवीजन किया जाएगा, अगर रेजिडेंशियल प्रमाइसेस है तो 5% पर एनम तक का, और नॉन रेजिडेंशियल है तो 7% पर एनम तक का. फिर आपका सेक्शन 9 का अगला क्लॉज 4(4), ये कहता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो एंटाइटल्ड है उस रिवाइज रेंट को रिसीव करने के लिए. सेक्शन 9 का क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर टीनेंसी को एंटर किया गया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, तो वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो बाई नोटिस इन राइटिंग क्या कर सकते हैं, इन्हांस्ड रेंट को डिमांड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 30 दिन की नोटिस सर्व करनी होगी. एंड अकॉर्डिंगली जो आपका टीनेंस एग्रीमेंट है वो भी डीम कर लिया जाएगा कि वो अमेंड किया जा चुका है, एंड अकॉर्डिंगली जो आपका एनहांस्ड रेंट है वो आपका नाउ शैल बी पेबल. फिर आ जाते हैं सेक्शन 10 के अंदर. सेक्शन 10 में बात की गई है कि आप अगर रिवाइज रेंट को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो उसको डिटर्मिन कैसे किया जाएगा. तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड या टीनेंट की एप्लीकेशन पे डिटर्मिन किया जाएगा, एंड इट विल बी गाइडेड बाय द प्रिवेलिंग मार्केट रेंट, और साथ ही साथ जो उसके आसपास की सेम सिमिलर काइंड ऑफ प्रमाइसेस रेंट आउट किए गए हैं या लेट आउट किए गए हैं वो सब डिटर्मिनिंग फैक्टर होंगे. अगर डिटर्मिनेशन कर लिया गया है तो कोई नया फ्रेश डिटर्मिनेशन नहीं किया जाएगा अगले 1 साल तक के लिए. फिर आ जाइए अगले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे, जो कि है रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड. रेंट अथॉरिटी डिस्कस की गई है सेक्शन 30 में, रेंट ट्रिब्यूनल डिस्कस किया गया सेक्शन 32 में. रेंट अथॉरिटी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट करेगा किसी एक ऑफिसर को जो कि कम से कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रैंक का होगा, एंड दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेंट अथॉरिटी विद इन दैट ज्यूरिडिक्शन. फिर रेंट ट्रिब्यूनल की अगर बात करें तो ये प्रिसाइड किया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हिमसेल्फ और बाय द ADG, जिसे नॉमिनेट किया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट जज इन ईच डिस्ट्रिक्ट. फिर आ जाते हैं सेक्शन 34 के अंदर, जहाँ पर डिस्कस किया गया है पावर्स ऑफ द रेंट अथॉरिटी एंड द रेंट ट्रिब्यूनल. यहाँ पर ये कहा गया है कि दे विल हैव द सेम पावर्स एज वेस्ट की जाती हैं सिविल कोर्ट के अंदर अंडर द CPC. अब उस रिगार्ड में ये कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, अटेंडेंस एनफोर्स कर सकते हैं, ओथ पे एग्जामिन कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल सकते हैं, कमीशन इशू कर सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए और डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए, कमीशन इशू कर सकते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, एविडेंस रिसीव कर सकते हैं एफिडेविट के साथ, दे कैन डिसमिस एन एप्लीकेशन और अपील फॉर डिफॉल्ट, और दे मे डिसाइड इट, दे मे सेट इट असाइड, और दे मे कंसिडर एनी अदर मैटर, और दे मे बेसिकली कंसिडर एनी अदर मैटर इंसिडेंटल टू इट. फिर अगला क्लॉज ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स इस सेक्शन के इस पूरे एक्ट के अंतर्गत की जा रही हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहा जाएगा. ये जो हमारे रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल है दे विड बी कंसिडर्ड एज अ सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 195 ऑफ CRPC. फिर सेक्शन 34 का क्लॉज 3 ये कहता है कि जो आपका रेंट अथॉरिटी है ये इंक्वायरी होल्ड करने के लिए ये इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, या फिर इस एक्ट के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए 2 चीज़ें कर सकता है. पहला तो किसी प्रोमाइसिस में एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, या अपने से किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को क्या कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है कि आप कंसर्न्ड प्रोमाइसिस में एंटर हुई है और इनसे इंस्पेक्ट करिए, बट एट एनी टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट. और ये जो एंट्रिंग और इंस्पेक्शन है ये किया जाएगा 24 घंटे की प्रायर नोटिस देने के बाद ही. दूसरा काम ये क्या कर सकते हैं, ये किसी पर्सन को रिक्वायर कर सकते हैं कि भाई आपको ज़रूरत है कुछ बुक्स या डॉक्यूमेंट्स जो इस इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट है उनको प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम उनका इंस्पेक्शन कर सकें. अब उसका टाइम और प्लेस ये खुद डिटरमिन कर सकते हैं. फिर सेक्शन 34 के ही कुछ और क्लॉसेज में कुछ और एडिशनल पावर्स दी हुई हैं, जहाँ पर क्लॉज 5 क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स को क्या करता है, करेक्ट करने की बात करता है. रेंट अथॉरिटी करेक्ट कर सकती है.
क्लॉज सिक्स में बात की गई कि जो रेंट अथॉरिटी है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC की पावर एक्सरसाइज कर सकती है, फाइन की रिकवरी कर सकती है CRPC के अंतर्गत, और जो रेंट अथॉरिटी है उसे मजिस्ट्रेट की तरह डीम किया जाएगा। क्लॉज सेवन ये कहता है कि जो RA है आपका रेंट अथॉरिटी है, उसके पास पावर्स है सिविल कोर्ट की, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन प्रोवाइड फॉर एनी ऑर्डर और दे कैन बेसिकली डिसाइड एनी अपील और दे कैन गो थ्रू दी अपील। फिर आपका क्लॉज एट है वो ये कहता है कि जो रेंट अथॉरिटी है इट मे सेट असाइड और रिकॉल एनी ऑर्डर पास्ट एक्स पार्टे, साथ ही साथ ओनली ऑन द ग्राउंड्स कि जो पार्टी है उसने एप्लीकेशन फाइल की है या जो नोटिस थी वो ड्यूली सर्व नहीं की गई है या जो पार्टीज हैं उन्हें प्रिवेंट किया गया अपियर होने से। फिर आ जाइए सेक्शन 33 के अंतर्गत, जहाँ पर बात की गई कि रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्राइब्यूनल इसके इस एक्ट के अंतर्गत डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए किस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। तो ये प्रोसीजर पूरा गाइड किया जाता है बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसे हम PNJs कहते हैं, एंड दे विल हैव द पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पर यह एप्लीकेशन कैसे बिगिन होती है, जो लैंडलॉर्ड या टेनेंट है वो आपका एप्लीकेशन या अपील फाइल कर सकते हैं एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर जो आपका रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्राइब्यूनल है वो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करेगा कि भाई देखिए ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आई है या फिर अपील आई है। फिर ऑपोजिट पार्टी फिर एक रिप्लाई फाइल करेगी जिसकी कॉपी फिर सर्व की जाएगी किसको, एप्लीकेंट को। जो एप्लीकेंट है वो एक रीजॉइनर फाइल करेगा आपके ऑपोजिट पार्टी को सर्विंग कॉपी सर्व करने के बाद। अकॉर्डिंगली जो आपका रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल है वो आपकी डेट फिक्स करेंगे हियरिंग के लिए, डेट फिक्स करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली दे मे होल्ड सच समरी इंक्वायरी जो उनको नेसेसरी लगेगा। सेक्शन 32 क्लॉज 33 क्लॉज 2 के अंदर टाइम लिमिट बताई गई है इस एक्ट के अंदर केसेस के डिस्पोजल की, जो कि है एप्लीकेशन या अपील के रिसीव होने के 60 दिन के अंतर्गत। फिर नाउ सेक्शन 33 के क्लॉज 3 में एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस की बात की गई है, जो आप एफिडेविट के साथ ले सकते हैं। प्रोवाइजो ये कहता है कि जो रेंट अथॉरिटी है वो या फिर रेंट ट्राइब्यूनल वो दे देमसेल्व्स मे ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ द विटनेस। सेक्शन 33 के क्लॉज 4 में समन के सर्विस की बात की गई है, दैट वुड बी डन एज पर द प्रोसीजर प्रोविजंस ऑफ द CPC एंड इट मे ऑल्सो बी इफेक्टेड थ्रू द ईमेल, व्हाट्सएप, SMS और द रिकोगनाइज इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर लास्टली सेक्शन 33 के क्लॉज 6 में ये कहा गया कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी केस है उसका डिस्पोजल, पहली बात तो आपको 60 दिन के अंदर करना है और उस केस के पूरे प्रोसीजर के दौरान आप 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 35 के अंदर, जहाँ पर अपील की बात की गई है, यानी आप रेंट अथॉरिटी के अग्रीव्ड ऑर्डर की अपील कहाँ कर सकते हैं, रेंट ट्राइब्यूनल पे कर सकते हैं, कितने दिन के अंतर्गत, उस ऑर्डर के आने के 30 दिन के अंतर्गत। प्रोवाइजो ये कहता है कि कोई भी अपील लाई नहीं करेगी अनलेस जो अपीलेंट है वो आपके एंटायर पेबल अमाउंट का 50% ऑलरेडी डिपॉजिट कर दे, तब तक आप अपील नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 35 क्लॉज 2 के अंदर ये कहा गया कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो एक नोटिस सर्व करेगी मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ टू द रिस्पोंडेंट और फिर वो एक फिक्स करेगी हियरिंग डेट जो कि 30 दिन के अंदर। अब वो 30 दिन कब से काउंट किए जाएंगे, किस डेट से, उस डेट से जिस दिन से आपने नोटिस सर्व की किसके पास, रिस्पोंडेंट के पास अपील की कि भाई देखो ऐसा है, इस तरह की अपील आई है, नाउ यू विल हैव टू रिस्पोंड ऑन इट, एंड अकॉर्डिंगली जो अपील है वो डिस्पोज की जाएगी विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम सच डेट ऑफ सर्विस। फिर सेक्शन 35 का क्लॉज 3 ये कहता है कि जो रेंट ट्राइब्यूनल है ये अलाउ कर सकता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स किसी भी स्टेज पे पूरी प्रोसीडिंग्स के, बट ये एक बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर सेक्शन 35 का क्लॉज 4 ये कहता है कि जो रेंट ट्राइब्यूनल है वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकता है अपील की पेंडेंसी के दौरान। फिर सेक्शन 35 क्लॉज 5 ये कहता है कि अकॉर्डिंगली जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकते हैं, रेंट अथॉरिटी के दिए हुए ऑर्डर को या तो कन्फर्म कर सकते हैं, या तो सेट असाइड कर सकते हैं, और या तो मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्टली सेक्शन 36 के अंतर्गत वो मोड्स बताए गए हैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के, वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। आप प्रमाइसिस की डिलीवरी कर दीजिए या तो फिर जो ऑपोजिट पार्टी है उसके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को क्या कर दीजिए, आप अटैच कर दीजिए ताकि हम जो अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है ऑर्डर में उसको रिट्रीव कर सकें। दूसरा, आप एक एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं जिसमें आप रेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स या लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और लोकल बॉडी के ऑफिसर्स को भी क्या कर सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं कि आप क्या करिए, इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाइए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप ऑपोजिट पार्टी के सैलरी और अलाउंसेस को अटैच कर दीजिए, और फाइनली फाइनल जो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो यूजुअली ये होता है कि आप ऑपोजिट पार्टी के मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर दीजिए।
फिर सेक्शन 36 का क्लॉज 2 ये कहता है कि जो रेंट अथॉरिटी है वो लोकल पुलिस की मदद ले सकती है फाइनल ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन के लिए. एप्लीकेंट ऑल्सो कैन टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस ऑन द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट, जो डिसाइड किया जाए रेंट अथॉरिटी के द्वारा. सेक्शन 36 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो रेंट अथॉरिटी है वो कंडक्ट करेगी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स मे बी इन अ समरी मैनर, और इट मे डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द ऑपोजिट पार्टी. And with this, we conclude the Rent Control Act of 2021. So kindly go through both the acts. That is the Act of 1972, which has already been uploaded in the channel. Thank you so much.